insert taki scientists can insert it so that we can do the work right so it's very important so restriction enzyme is cutting for us and it's cutting because of one simple thing does it recognize it's through the recognition site different organisms have different recognition site when you see this table here this one this is the very common four restriction enzymes they have mentioned but बहुत सारे restriction enzymes हैं ये बहुत common है और आप लोगों के लिए सबसे easiest form है you have to remember अब इन name के आगे one लिखे हुए हैं roman letters में one and two लिखे हुए हैं one and two इसलिए क्योंकि इनकी discovery के हिसाब से जो पहले discover हुआ उसको one दिया जो बाद में डिस्कवर हो उसको टू दिया राइट right? एंड ये कौन से ऑर्गेनिज्म से निकाला गया है उसके भी नाम दिए हुए हैं राइट दैट मीन्स एल्यू वन वॉज डिस्कवर्ड और ऑप्टेंड फ्राम आर्थोबैक्टर ल्यूटियस आप बोलोगे ऑप्टेन कैसे किया जो बैक्टीरियस हैं ना हमारे वर्ल्ड hmm. uh, में वी हैव दोज बैक्टीरिया उनकी बॉडी में ये इम्यून सिस्टम का काम करते हैं ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दे वर्क हैज़ इम्यून हमारी बॉडी में कैसे डब्ल्यू बी सी वर्क हैज़ एन इम्यून सिस्टम जैसे ही हमें इन्फेक्शन होता है इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए देखा हम नो जस्ट लाइक दैट दीज रिस्ट्रिक्शन एनजाइम दे वर्कड अगेंस्ट दोज एक्सटर्नल पैथोजें और एक्सटर्नल वायरसेस जो अटैक कर रहे थे उनकी बॉडी को तो उनके फाइट उनके साथ फाइट करके उन वायरसेस को बॉडी में ग्रो नहीं करने देते थे दैट इज़ वाई दिस नेम इज़ यूज रिस्ट्रिक्शन एनजाइम इफ़ देर इज़ अ क्वेश्चन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाई डू वी कॉल रिस्ट्रिक्शन एनजाइम द सेम नेम क्यों हमने वर्ड रिस्ट्रिक्शन लिया क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट करती है जो डिजीज़ वाले पैथोजन जो मीन्स एक्सटर्नल और वी कैन से इन्फेक्शंस को बढ़ने नहीं देती उन एंज़ाइम्स को हम लोग ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स टर्म यूज़ किया है सो दिस कैन बी अंडरलाइन फ्रॉम हियर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज़ गिवन दिस नेम बिकॉज दे वेयर यूज बाय द बैक्टीरिया टू डिस्ट्रॉय वेरियस वायरल डी एन ए जब बैक्टीरिया के ऊपर डी वायरस का अटैक होता है तो वायरस क्या करता है अपना डी एन ए बैक्टीरिया के अंदर छोड़ता है ताकि वो मल्टीप्लाई हो सके राइट right? सो so, उसका मल्टीप्लिकेशन रोकता कौन है ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम So this was the first time when scientists were working on them. they realized this and this was discovered, the Nammaya restriction enzyme. Now they are very useful for us because lab may we want to do recombinant DNA technology. We want to cut those small DNAs. So it's not that easy to have a bigger scissor or handmade scissor. So the best thing.

ऑप्शंस में जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया था ऑप्शन और बोला था आइडेंटिफाई विच ये चारों ऑप्शन दे दिए और बोला कि आइडेंटिफाई विच साइट विल बी क्लीव्ड बाय इको आर वन सो यू हैड टू रिमेंबर द हु हैव रिमेंबर दे गॉट इट राइट बट जिनको याद नहीं था उनका गया वो एक मार्क ठीक है हमें लगता है एक मार्क ये है बट देन वॉट आई फील इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर यू टू रिम्बर ये हमारा डी एन ए का स्ट्रैंड है राइट दीज आर द डिफरेंट स्ट्रैंड हमारे डी एन ए में यू नो सो मैनी वी वी डोंट हैव अ स्मॉल डी एन ए वी हैव अ बिगर डी एन ए राइट एंड इट इज़ कॉयल्ड इन साइड वन सेल एंड वेन यू टॉक अबाउट द सेल आर बॉडी इज़ फुल ऑफ मेडअप ऑफ सेल सो एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ द सेल एंड एवरी सेल हैज़ डी एन ए तो उसके अंदर जब ऑल्टरनेशन होता है ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं ये सब लैब के अंदर होती हैं लेबोरेटरी में राइट right? एंड

I'm just taking an example. Let's okay, that's it. We can. If you take this, this is the DNA strand. इस Is DNA strand स्ट्रैंड में जब ईको अटैक करेगा ईको आर वन जब अटैक करेगा तो वो यहाँ से कट करेगा और यहाँ से कट करेगा तो देखो कैसा शेप आ रहा है One end will be small and the other end will be extended as a part either, right? This is how you get one, one side the nucleotide will be there, the other side the nucleotide will not be there, right? So, this is called as sticky end. What do you call it? Sticky end. सो यू कॉल इट एज स्टिकी एंड लेकिन वेन यू टॉक अबाउट हिंदू हिंद टू जब कट करेगा यू कैन सी इट कट स्ट्रेट मतलब वो बिल्कुल स्ट्रेट कट करता है तो हमारा जो रिजल्टन प्रोडक्ट है वो बिल्कुल हमें क्या शेप देता है ब्लंड एंड देता है क्या देता है ब्लंड एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेम्बर just remember the first one is a l u -A L U वन second is Bam H वन third is इको R वन and hint टू So first you remember इको R वन वो तो सबसे पहले याद करो क्योंकि इसका बहुत बारी क्वेश्चन आता है बहुत बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये कौन से ऑर्गेनिज़म से निकाला गया है ये श्रेष्ठ या कोलाई बोलते हैं हाँ उसमें से निकाला गया है और ये कौन से डीएनए न्यूक्लियोटाइड को रिकॉग्नाइज करता है कौन से डीएनए का कौन से पार्ट को रिकॉग्नाइज करता है इसका रिकॉग्निशन साइट है जी ए ए टी टी सी मतलब फर्स्ट जी एन ए के बीच वो क्लीव करता है तो वही सेम सीक्वेंस नीचे जो होता है अब आप बोलोगे ये सेम सीक्वेंस नीचे कैसे होता है अब इसको हम बोलते हैं पैलेंड्रोम पैलेंड्रोम का मतलब होता है जैसे कि मैंने लिखा मलयालम ओके okay. अब आप यहां से पढ़ोगे तो भी मलयालम आएगा और आप यहां से पढ़ोगे तो भी सामने आगे से पीछे की ओर जाओगे या पीछे से आगे की ओर जाओगे इट विल बी द सेम दिस सीक्वेंस इज सीन इन द डीएनएस तो उनको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम लेट्स सी दिस साइट दिस इज़ ए डी एन ए ये एक डी एन ए का स्ट्रक्चर है और ये स्पेशली इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि ईको आर वन का है सो इफ़ यू रीड इट फ्रॉम हियर जी ए टी सी सी और यहाँ से पढ़ेंगे भी जी ए टी सी सी अब मैंने फ़ाइव प्राइम से क्यों पढ़ा क्योंकि फाइव प्राइम ही ऑलवेज़ एक्सेप्टेबल फाइव प्राइम से थ्री प्राइम इज़ ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी तो अब यहाँ देखो ज़रा ये जो डीएनए है आपका डीएनए का छोटा सा हिस्सा है ये पूरा बहुत बड़ा डीएनए बट इतना सा हिस्सा है जो कि हमारा जो साइट है रिकोगनीशन साइट है फॉर ईको अब आया ईको आर आई सॉरी आर वन एंड देन वॉट डिड इट डू उसने कट किया जी ये दूसरे पार्ट को और इस पार्ट को कट किया और यहाँ से नीचे से भी कट किया तो जो हमारे पास आया

अगर आप यहाँ से रीड करोगे तो भी वैसे ही आएगा जी ए ए टी टी सी राइट सो यू हैव टू लर्न इट सो विच एंजाइम अटैक्स द जी ए टी टी सी पैलेंड्रोम यू हैव टू रिमेंबर इकोलाई आर वन पैलेंड्रोम इज द सिमेट्री वॉट इज पैलेंड्रोम क्वेश्चन आया तो इट इज द सिमेट्री ऑफ द डी एन ए मोलिक्यूल और सिमिट्री सिमेट्री ऑफ द न्यूक्लियोटाइट्स हाउ दे आर अरेंज्ड यू रिमेंबर द न्यूक्रोट आई डी नाइन गो एनाइन एंड ऑल वे आर टॉकिंग अब ओके सो नेक्स्ट इज द क्लोनिंग वैक्टर अब जो कट किया है उसको कौन लेके जाएगा कौन कैरी करेगा उसको हम बोलेंगे क्लोनिंग वैक्टर जो मल्टीप्लाई करेगा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने ये है हमारा प्लासमिट राइट right? इस प्लास्मिट का इतना हिस्सा हमने नया लगाया है नया मीन्स समथिंग विच वी वॉन्ट फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ एन इंसुलिन प्लासमेट ओके ये प्लास्मेट मल्टीप्लाई होगा और फिर हमें क्या देगा बहुत सारे इंसुलिन फॉर्मिंग प्लास्मिड देगा ये खुद से तो हो नहीं सकता इसको कोई कैरी करेगा तभी हो पाएगा ना तो कैरी कौन करता है उसको हम बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। समवन हु इज़ गोइंग टू कैरी इट वेक्टर ओके सो वेक्टर व्हाट इज़ अ वेक्टर वेक्टर आर डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैरी फॉरेन डीएनए सेगमेंट एंड रेप्लिकेट इनसाइड द सेल राइट right? तो ये वेक्टर होता है हमेशा प्लास्मिट प्लास्मिट इज द सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन द इकोलाई नॉर्मल डीएनए से ज्यादा प्लास्मिट को यूज किया जाता है और इवन बैक्टीरियो फेज को भी यूज किया जाता है वी हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स बट द मोस्ट कॉमन वन इज द प्लास्मिट यहाँ पे इन्होंने तीन स्पेशल फॉर्म्स ऑफ प्लास्मिट्स भी दिए हुए एग्जाम्पल्स में यहाँ पे वन एस पी यू सी पी यू सी इज़ नॉट पोल्यूशन अंडर कंट्रोल इट इज़ प्लासमिट दैट वॉज़ फर्स्ट रिकोगनाइज इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इसलिए नाम पड़ा है पी यू सी एंड देन पी बी आर इज़ फ्रॉम ऑल्सो फ्राम अ डिफरेंट प्लेस दैट बॉलीवर रॉड्रिगस जिस साइंटिस्ट ने ढूँढ निकाला था पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू ये उनके साइंटिस्ट के नाम पर आ गया बट रिमेंबर व्हाट इज़ अ प्लास्मेट प्लास्मिट इज़ अ सर्कुलर डी एन ए जो कि हमारा चॉइस वाला डी एन ए को चॉइस वाले जीन को कैरी कर सकता है और मल्टीप्लाई कर सकता है जिसको हम ईज़िली किसी होस्ट के अंदर डाल सकते हैं और वहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं राइट सो द मोस्ट कॉमन वेक्टर विच वी यूज Please underline it is plasmid and bacteriophage. Very, very important question. Okay. Then, what is the quality of a good vector? Vector should have the ability to replicate. And make large copies and introduce itself into the host cell. the host cell We have three four points. Number one point is that it has an ability for independent replication, right? Point number two. This should be able to introduce into the host cell.

राइबोसोमल बाइंडिंग साइड ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती है दैट्स वाई वी यूज द वर्ड मार्कर एंड सबसे कॉमन कॉमनली यूज प्लास्मिड इज प्लास्मिड बॉलीवर रॉड्रिगस प्लास्मिड बी आर थ्री ट्वेंटी टू इज द मोस्ट कॉमन रिकॉम्बेंट डी एन ए इन प्लान्स ये पौधों से निकाला गया था इसलिए वी आर यूजिंग इन प्लान्स ओके दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लास्मेट दैट इज शोन एंड दिस प्लास्मिक इज यूज इन रिकॉमनेट डी एन ए विच इज डिप्लीकेटेड इन साइड द ई कोलाई प्लांट्स के अंदर यूज किया था प्लास्मिट को स्पेशली हमारे एग्रो बैक्टीरिया टू मी फेस इन वेरी कॉमन Uh, if you remember, we have. Uh, okay, this topic is not done. So, right now, just understand this is a vector for plants. This is a kind of uh, vector used for plant cells. Then we have. These are the vectors. We are talking about vectors which carry hamare क्लोनिंग डीएनए को जो क्लोन करके चेंज करके आते हैं उनको कैरी करने वाले तो दीज आर ऑल्सो यूज वन इज़ हेलिकोबैक्टर पायरोली बेसिलस हिमोफिल्स ये तो बैक्टीरिया के नेम हैं एंड ईकोलाई सो द मोस्ट कॉमनली यूज होस्ट और इकॉमन डी एन ए ईकोलाई मोस्ट कॉमनली यूज प्लास्मेड is pbr 322 in recombinant technology used for plants most commonly used vector is red plasmid sorry and bacteriophage so very common question that comes Okay, now let's understand the steps of recombinant DNA technology.